द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज द ड्राई एक्वास्केपिंग। ये टैंक को हम रेडी कर चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, अगर नहीं देखा तो लिंक इज इन द आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस वीडियो में हम इस टैंक में कुछ प्लांट्स ऐड करने वाले हैं, तो इस वीडियो लास्ट तक देखना और कोई भी वीडियो मिस मत करना। इस सीरीज का बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। आई हैव सम सैंड जिसको मैंने पहले धो रखा था। दरअसल मैं ये सैंड को पहले ही छान रखा था, इसलिए ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं आ रहा है। मैंने पहले ये छान रखा था इसलिए ज़्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं आ रहा है। ये देखिए कुछ आ रहा है। तो ये सैंड रेडी है, इसको ज़्यादा छानने की ज़रूरत नहीं है, धो भी रखा है मैंने। ये रखा हमारा सैंड। ड्राइस्केप का एक क्लास पॉइंट है जो कि इसमें पानी नहीं रहता, तो CO2 का कोई बात ही नहीं उठता इसमें। ये एक क्लास पॉइंट है इसमें, पर आपको हर दिन पानी स्प्रे करना पड़ेगा इसमें, नहीं तो अंदर जो मॉइस्चर रहता है जिसके ऊपर प्लांट जिंदा रहता है तो मॉइस्चर नहीं रहेगा। छोटा सा लेयर देंगे सैंड का, ज्यादा मोटा लेयर नहीं देंगे, जरूरत नहीं है ज्यादा मोटा लेयर देने का क्योंकि इसमें पानी हम नहीं देंगे टोटल। तो ये लगभग रेडी हो चुका है प्लांटेशन करने के लिए। अब हम इसमें प्लांटिंग करेंगे। ये बाको का कैलोनियाना, ये हम देंगे एक बहुत तरह के प्लांट्स देंगे, देखते हैं कौन अच्छा रहता है, कौन अच्छा जिंदा रहता है, कौन अच्छा ग्रो होता है। तो हमारा फर्स्ट प्लांट ये है बाको का कैलोनियाना। ये हमारा फर्स्ट प्लांट चला गया। तो ये है पेरिसनेरिया, ये मेरे पास तीन है, ये भी देंगे, देखते हैं कौन अच्छा रहता है। मुझे उम्मीद है ये वाला प्लांट्स जिंदा नहीं रहेगा इस सिचुएशन में, तो देखते हैं ड्राइस्केप में ये कैसा रहता है। ये हम यहाँ पर देंगे। इसको स्प्रे करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये सूख गया तो ये मर जाएगा और तब ये प्लांट्स कोई काम का नहीं। ये एक और मैं अच्छे से प्लांटेशन हो जाता है ये छोटे, जब सैंड अप छान लेते छोटे छोटे दाने में तो बहुत आसान हो जाता है। छोटा वाला इसे हेमियंथस माइक्रोथेमेटिस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HM बोलते हैं। तो ये प्लांट्स है मेरे पास, ये भी देंगे।
प्लांटिंग करने के बाद एक भैया के याद आ गया मुझे, एक चैलेंज है एक्वेरियम हॉबी, बहुत बड़ा फैन हूँ उसका। तो वो भैया एक वीडियो में कहा था कि लैम्स ऐसे लेकर घुसेर दो, तो वो वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बड़ा फैन हूँ उसका, एक्वेरियम हॉबी चैनल इज माई इंस्पिरेशन। एंड और भी अदर्स चैनल है जो मैं बहुत पसंद करता हूँ, जैसे कि डेक्स्टर्स वर्ल्ड हो गया एंड केचमल फिशिंग एंड पॉल कफालो, और भी बहुत सारी चैनल है। तो ये सब मेरा इंस्पिरेशन है। तो ये है डुडुगिया रिपेंस, ये बहुत हार्डी प्लांट है, मेरे एक्वेरियम में भी है, ये बहुत हार्डी प्लांट है। तो मुझे उम्मीद है ये जिंदा रहेगा अच्छे से। तो ये कहा बिठा हूँ, क्या बिठाऊ, ये यहाँ बिठाता हूँ। बहुत अच्छा प्लांट है, मुझे बहुत पसंद है ये प्लांट। तो ये एक प्लांट से ये है स्कैरोगन रिपेंस, तो ये भी मैं दो पीस दे रहा हूँ टेस्ट करने के लिए कि ये जिंदा रहता है कि नहीं। ये मैं यहाँ भी बिठाता हूँ क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट। तो ये एक और है, बहुत छोटा है ये प्लांट। सभी प्लांट से दे चुका हूँ, अकोवा मोर, ये अभी अभी मैंने मेरे एक्वेरियम से काट कर निकाला है, तो ये बहुत ताजा, ये बहुत फ्रेश है, एकदम फ्रेश है ये वाला प्लांट, अभी अभी मैंने एक्वेरियम से निकाला, काट कर ट्रिमिंग करके निकाला अभी अभी। तो फ्रेश है एकदम ताजा, जो प्लांट्स बोलते हैं वो वाला। तो ऑल माय प्लांट्स आर डन इन द एक्वेरियम। मेरा मन कर रहा है और भी और कुछ ईचे में मेरे पास वो भी लगा देते हैं, जो मेरे मन करता है वो मैं करता हूँ। तो सब कुछ हो गया, आप देखते हैं असली बात कि इसका रिजल्ट बाद में क्या आता है। सभी प्लांट्स पे लगा दिया, तो एक बार फिर से कह दूं, ये है हमारा वैलिसनेरिया, ये है हमारा एचएम, ये है स्टेरोगन रिपेंस, ये है बाकोपा एंड दिस इज द लुडुगिया रिपेंस।
एंड गाइस सब कुछ हो जाने के बाद यहाँ एक छोटा सा होल कर दीजिए ताकि अंदर का और बाहर का जो एयर है वो पासिंग हो सके। इस तरीके से छोटा सा होल कर दीजिए ताकि अंदर का और बाहर का जो एयर है वो एक साथ पासिंग हो सके। तो हम इसे इतना धूप में नहीं रखेंगे, ये जल्दी सूख जाएगा और सब्सट्रेट जो है बहुत गर्म हो चुका है ज्यादा धूप में, तो हम इसको थोड़ा छाव में रखेंगे। यहाँ डायरेक्ट धूप आता है तो डायरेक्ट धूप जहाँ आता है वहां इसके इसे मत रखिए। तो मैं इसे वहां रख रहा हूँ, यहाँ पर इसको रख दिया मैंने, यहाँ धूप थोड़ा कम है और इसको मैं दिन में 2 से 3 बार वाटर स्प्रे करता रहूंगा हर दिन। तो नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 जल्दी आएगा इस सीरीज का, तो देखते रहिए पूरा सीरीज और बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।